नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं रॉयल फील्ड क्लासिक 350 BS6 का माइलेज टेस्ट। और ये वीडियो जो है ये 80 की स्पीड में होने वाला है। ये माइलेज टेस्ट मैं करने वाला हूं 80 की स्पीड में करने वाला हूं। तो एक बार देख लीजिए, टैंक पे ही हूं और फ्यूल का लेवल जो है बिल्कुल फुल करा लिया है। और अभी लेके चलता हूं इसको और 80 के स्पीड में चलाऊंगा। यहां पे देख लीजिए बिल्कुल टैंक हमारा फुल है और इसको सीधा करेंगे तो सीधा करने पे बिल्कुल लेवल बराबर में आ जाता है। ये देख लीजिए बिल्कुल ये जो यहाँ से जो इसकी कुरारी है यहाँ पे टच कर रहा है फ्यूल और इतना ही डलाएंगे आगे। और इसके मीटर की बात करें तो 77.5 पे समझ लीजिए है, ये 77.5 से लेके चलना स्टार्ट करेंगे और आगे देखते हैं 80 की स्पीड में कितना ये माइलेज देगी हमारा बाइक। सो दोस्तों फाइनली चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे और आपको दिखा देते हैं एक बार फ्यूल टैंक फिर से। ये देखिए बिल्कुल फ्यूल है, फुल है हमारा। तो दोस्तों ये जो स्पीडोमीटर में हमारा डिजिट है ये 775 पे है टोटल जो मीटर रीडिंग है। और अब जो है ये टेस्ट हमारा होने वाला है 80 की स्पीड में कि 80 की स्पीड में क्या देगी माइलेज ये बाइक और थोड़ा टोटल से चलाएँगे। तो दोस्तों अभी दो माइलेज टेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। 60 की स्पीड में इसने 55 का दिया था, 70 की स्पीड में इसने 48 का माइलेज दिया था अप्रॉक्स, और अब देखते हैं 80 की स्पीड में कितना माइलेज देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेके निकल पड़े हैं बाइक को। ये देखिए 80 की स्पीड है, इससे ऊपर का टेस्ट जो है सर्विस के बाद आएगा आप सभी के लिए। ये देखिए दोस्तों कहीं कहीं पे स्पीड को थोड़ा बढ़ाना भी पड़ रहा है हमें, ओवरटेकिंग के टाइम थ्रॉटल भी ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। ये देख लीजिए, आप सभी को प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ भाई किस तरीके से लेके चल रहा हूँ बाइक को और कहाँ पे क्या घटना घटित हो रही है हमारे साथ में, कहाँ पे कैसा थ्रॉटल देना पड़ रहा है, ताकि आप लोग भी समझ सकें अच्छे से कि किस तरीके से बाइक का माइलेज मैंने निकाला है ये। और दोस्तों पिलियन का भी असर पड़ता है, अगर आप पिलियन के साथ कभी माइलेज अपना निकालेंगे बाइक का तो जो है कंफर्म नहीं ज़्यादा निकलने वाला, वेट का बहुत असर पड़ता है। और स्पीड का असर तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना, पिछले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो कितना असर पड़ा स्पीड का बाइक पे। तो दोस्तों अभी थोड़ा बाइक को रफ ड्राइव कर रहा हूँ और थ्रॉटल दे रहा हूँ अच्छा खासा, अभी देखूँगा कितना माइलेज देगी बाइक। नेक्स्ट जो है फ्यूल पंप उसी पे देख लूँगा चेक करके कि कितना माइलेज दे रही है। अभी तो काफ़ी कम स्पीड हो गई बट प्रॉपर गियर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों बाइक लगभग 94.9 यानी 95 भी कर देते हैं इसको सीधे सीधे और चल चुकी है। ये रिलायंस का फ्यूल पंप है, इसी पे भी फ्यूल फिल कराते हैं इसमें बाइक में और देखते हैं कितना आता है फ्यूल इसमें। इनको बता देते हैं पहले कितना डालना है फ्यूल इसमें। भैया इसमें फ्यूल फिल करना ये जो कुरारी है इसके ऊपर ना आए, इसी में टच रहे ठीक है, हाँ फुल ही है लेकिन ज़रा से आएगा इसमें, बिल्कुल टच करना है। तो अभी देख लीजिए जीरो है इधर, हाँ, जीरो है। और यहाँ पे फिल करते हैं भैया, यहाँ पे हैं तो देखते हैं कितना फ्यूल आएगा इसमें। जैसे ही टच हो जाता है वैसे ही बंद करा देते हैं, थोड़ा सा और डालिए थोड़ा सा और भाई, बस। तो फाइनली यहाँ पे देखिए टच हो गया है फ्यूल हमारा और स्लिप निकाल लीजिएगा भैया एक, नहीं स्लिप ऐसे निकाल दो, इतने पे ही निकाल दो। तो अभी भैया से स्लिप निकला लेते हैं यहाँ पे,
और देख लेते हैं कितना फ्यूल आया है इस पर। 0.45 आया है हमारा, ये देख लीजिए बिल्कुल फिल हो गया है। बाइक भी देख लीजिए 95 सीधे सीधे कर देते हैं इसको, 95 चली हुई है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में खड़े करके, पैसे दे रहे भाई अभी, ठीक है, इधर साइड में खड़े करके कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जो पहले हमारी बाइक चली हुई थी वो थी 77.5 और अभी चली है 95 किलोमीटर, तो टोटल बाइक चल चुकी है 17.5 किलोमीटर। इसको डिवाइड किया 0.45 से तो हमारा जो माइलेज निकल के आया है, देखिए 0.45 से डिवाइड किया इसको, 38.8 का माइलेज आया है। दोस्तों इसमें प्रॉपर क्रूजिंग नहीं की 80 पे, 80 तो चली चली साथ में कहीं कहीं पे ज़्यादा भी हो गई स्पीड, और अभी जो सिटी में चलाया थोड़ा इसको रूडली चलाया थोड़ा, यानी टोटल देके चलाया इस बाइक को, काफ़ी अच्छे टोटल से चला दिया तभी माइलेज और ड्रॉप हो गया। अगर दोस्तों आप क्रूजिंग करेंगे और लॉन्ग टूर करेंगे इस बाइक पे तो आपका माइलेज 40 का 100% आ जाएगा इसमें 80 की स्पीड में, काफ़ी अच्छा माइलेज रहा है अभी तक का। तो 80 की स्पीड पे काफ़ी सही माइलेज है 38.8 का अप्रॉक्स, ये हमारा जो है 40 तक का माइलेज दे देगी अगर एक स्पीड में चलेंगे, क्रूजिंग करेंगे, बीच में गांव भी बड़े और धीमे तेज की काफ़ी ओवरटेकिंग ट्रैफिक भी रहा, तो मेरे हिसाब से अच्छा माइलेज है। और देखते हैं अभी सर्विस वगैरह अगर होती शायद कुछ इम्प्रूव होता है माइलेज, अभी तो सिर्फ 100 किलोमीटर ही चली हुई है बाइक। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और भी रॉयल फील्ड क्लासिक 350 BS6 से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी इस पे।